हम लोग इतना सारा प्लास्टिक और ये देखिए इतना सारा हम लोग इसमें भी तोड़े हुए हैं। आ यहाँ देख हमें बलो कैसे पकड़ ला लो, छोड़ बिन करा लो मैं। आ छूट जा यार, आ ये पूरा खींच रहा लो मैं बलो। मेरा कपड़ा फंस गया, तुम फोन कर दो ठीक है। राधे राधे जय श्री राम। ये देखिए हम आ गए जंगल, मैं अपने मायके में जंगल आई हुई। है पूरे बीच जंगल में मैं हूँ और यहाँ पे कुछ तोड़ने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह आज जंगल आ गई हूँ और आप सब बताएंगे कि ये क्या है जो हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। और अभी जो दिन है तो बहुत कुछ रहता है जंगल में खाने के लिए, लेकिन ये बहुत स्पेशल है, हमको बहुत पसंद भी है। तो देख सकते हैं मैं भी तोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये क्या है, इसी को हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो देखिएगा मैं तोड़ के इसको लेके जाने वाली हूँ। पापा इतना तोड़ेंगे कि अपना खा लेंगे, ठीक ना। आप अपना तोड़ी, आप सबका तोड़ के लेके जाएंगे, हम अपना तोड़ के लेके जाएंगे। ये केंदू का गाछ है लेकिन अभी इसमें फूल ही लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी ये मतलब टाइम लगेगा, थोड़ा लेट से हो रहा है, अभी इसमें सिर्फ फूल लगे हुए हैं तो अभी थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। और जो फूल हम लोग तोड़ रहे हैं इधर थोड़ा कम कम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कितना सारा तोड़ रही है वो देखिए, बहुत दिख रहा ना गाइस ये वाला ही फूल अभी कहाँ है वीडियो ना टंटरा इसमें भी भरने वाला है। देख रहे गाइस ये कितना कांटा वाला पेड़ है, लेकिन इसको बकरी खा जाती है, फिर इसका पत्ता से निकाल निकाल बकरी को कांटा लगता नहीं है भाई, ये बहुत प्यारी से खाती है, लेकिन हम लोग इसको पकड़ भी नहीं सकते, देखिए कैसे चुभ रहा है। और आपको दिखाते हैं कितना सारा फूल है, देखिए कितना सारा, और यही फूल जो खाना चाहिए। इसका नाम तो हम नहीं बताने वाले क्योंकि और इससे फीवर वगैरह भी ठीक होता है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि ये कौन सा फूल है, ठीक है, और किसको किसको पसंद है। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए कि हम लोग फूल कैसे तोड़ रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, हम अपने दीक्षांत को घर में छोड़ के आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसको जंगल लाएंगे तो वो इधर पलटी खाएगा पता नहीं इसलिए उसको सोए हुए छोड़ के आ गए हम लोग। ये देखिए काटा मेरा दुपट्टा फंस गया, रुको कि रुको 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 ए छुटिया रुको ना, अभी दिखाएंगे छोड़ो मत। ये देखिए ये भी छोटा बैर है, इसको कटेर बोलते हैं ना, इसको कटेर बोलते हैं, लेकिन अभी ये ग्रीन ग्रीन है, देख रहे हैं ये ब्लैक हो जाता है पूरा, तब खाना बहुत टेस्टी लगता है। और एक और अभी हम लोग को मिल ही रहा है मक्खन कुकर जो है, उसको तोड़ सकती है। देखिए जंगल में कैसे कैसे तोड़ना पड़ता है, ठीक है, वहाँ जाके इन लोग तोड़ रही है। कोई रास्ता नहीं होता इसमें, लेकिन रास्ता बनाना पड़ता है, लेकिन मज़ा बहुत होता है, देख सकते हैं गाइस। देखिए उधर किधर भाग रही है जंगल में लड़की, देख सकते हैं रास्ता नहीं है, लेकिन फिर जाना पड़ता है कि फूल को तोड़ना सकती है जंगल में। तो यहाँ फूल हमको मिल गया एक जगह, और इसको कैसे तोड़े ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको इधर से पेड़ को इधर खींच लेंगे और इसको ये देखिए पेड़ को हम इधर खींच लिए, इधर तोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा बहुत है इसमें, लेकिन जितना भी है अच्छा है, ज़्यादा नहीं था उसमें। और अब कनौद अभी फरा नहीं है, कनौद सूख गया है, ठीक है। और मेरी चाची को बाबू का फिक्र हो रहा है, तो बोली जल्दी जल्दी चलो तोड़ के, तो बाबू वहाँ रोने लगेगा क्योंकि वो सो के उठता है तो मम्मा को ही खोता है। ये चाची कहाँ तोड़ रही है, दिख रहा है आप लोगों को गाइस,
दिख नहीं रही है, वो हरा साड़ी भी पहन के आई है तो हरा में विलुप्त हो गई है। उस तरफ से गिरिएगा मत, जंगल में बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है, सीधे नीचे ही देखिए गाइस, ये खजूर जैसा लग रहा है पूरा, लगेगा लगता है कि तोड़ के ले जाए, लेकिन पता नहीं ये कौन सा फल है, हम लोग को खुद ही नहीं पता ना, इसको खाया जाता है तो हम लोग इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, फालतू है। मतलब सब लोग किधर जा रहे हैं, वो तो जंगल में जा रहे सब, हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे हो गए थोड़ा। देखिए बहुत घना जंगल इधर देख सकते हैं पूरा। दही चाची कहाँ घुस गए, कौन तोड़ेगा, थोड़ा आप तोड़िएगा थोड़ा हम तोड़ेंगे, की करूँ कोई। ये देखिए गाइस, ये बेड़ी पत्ता है ना के? ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं, इसके बेड़ी बनते हैं जो गांव के लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और 52 पत्ते के 1 रुपये मिलते हैं, उसको तोड़ के लोग सजा के और फिर कंपनी वाले को ट्रांसफ़र करते हैं। ये देख सकते हैं ये वाला ये पत्ता होता है। ये देखिए गाइस, इधर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है इस फूल का, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा फूल है। ये देखिए गाइस, मेरा कपड़ा फंस गया, हम फूल तोड़ रहे हैं। आगे रुकनी, आ यहाँ देख, हमें बलो कैसे पकड़ ले, छोड़ बिन करा लो मैं, आ छूट जा यार, आ पूरा खींच रहा हूँ बलो। ना तो होगी पूरा जुड़ो खोल पड़ सकती है, मेरा बाल फंस गया काटा में, आ हम छोड़ोगे तो पकड़ भी तो लगता है, पूरा बाल फंस गया गाइस देख सकते हैं, और पीछे मेरा कपड़ा भी फंसा हुआ है देखिए ऐसे, छोड़ गए छोड़ी कपड़ा, भाग के भाई गेम है पक्का पड़ा हुआ, तो फिर ले चार ले चल बन तोर में अभी फंसा भाग ऐसे तोर कपड़ा हुआ क्योंकि ऐसे चढ़ना होता है। देखिए हम लोग अब ऊपर आ गए फूल तोड़ के, और घर जाके आपको बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है और क्या क्या करना है। चाची चाची किधर है, किधर, अच्छा उधर है, हम लोग इतना सारा प्लास्टिक और ये देखिए इतना सारा हम इसमें भी तोड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ ईंटा भी पड़ रहा है, और बारिश की वजह से सारा ईंटा गल गया है, बहुत सारा ईंटा बर्बाद हो चुका है, और उधर देखिए धुआं भी लगा हुआ है, मतलब पिंजावा बोलते हैं। तो देखिए कितना सारा ईंटा बना हुआ है, और अभी लोग बना भी रहे हैं, इन बारिश की वजह से बहुत सारा ईंटा गल गया है, तो इधर ये सब भी काम होता है राइट, आप देख सकते हैं। तो देखिए सारे ईंटे बर्बाद हो गए, मजदूरों की मेहनत पानी में चली गई, लेकिन क्या करें, पानी भी गिरना ज़रूरी था क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी थी। और गाइस थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है जिसके कारण मेरा आवाज़ मोटा आ रहा होगा, आप सब सुन पा रहे होंगे, तो मैं इस मौसम में सर्दी खांसी से बहुत परेशान हूँ थोड़ा, जिसके कारण मैं बहुत सारा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी जिसकी वजह से जा घूम क्या। ये देखिए मेरे गाँव में भी स्केट करने वाले बच्चे लोग हैं, इसका वीडियो बना दे, देखिए फूल इतना सारा फूल है, हम लोग प्लास्टिक भर गया तो ऐसे आधा आधा तोड़ के ले लिया, अब इसको घर में निकालेंगे। तो गाइस आप सब बताएं कि ये क्या है, एक बार फिर मैं बोल रही हूँ, आप बताएं कि ये कौन सा फूल है और इसको खाने में कितना टेस्टी लगता है और किसको किसको पसंद है, और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो हमारा जंगल का ये व्यू ये नज़ारा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
इसको ऐसे हम लोग साफ कर रहे हैं, यहाँ पे साफ कर रहे हैं। ये देखिए इतना सारा हो गया कढ़ाई में, देख सकते हैं आप इतना सारा है। ठीक है, हाँ देखिए अभी चाची बताएगी इसको कैसे बनाना है। सब थोड़ा सा भाप लगा के और फिर इसको छान के पानी से, ठीक, मसाला डाल के फिर इसको भून दीजिए। बस समझ लीजिए कि जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं ना मसालेदार, ऐसे ही आप इसको बनाते हैं। बस इसको पहले थोड़ा सा भाप लगा के पानी को फेंक देना है, क्योंकि ये थोड़ा तीखा लगेगा, कस्सा लगेगा, तो वो कड़वापन खत्म हो जाएगा, कड़वापन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत टेस्टी लगता है और इससे आपको बुखार नहीं होगा और पेट साफ भी करता है, पेट साफ भी होता है इससे और बुखार भी नहीं लगता है और क्या कहते हैं एलर्जी वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो इसे ज़रूर खाएं अगर आपके आसपास में है तो। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।